27 आईपीएस अफसरों के तबादले। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी में 28 आईपीएस अफसरों के तबादले। डॉक्टर संजीव गुप्ता आईजी अयोध्या बनाए गए। सुजीत पांडे जीएसओ डीजीपी यूपी बने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ओमकार सिंह डीजीपी मुख्यालय से अटैच। यूपी में 28 आईपीएस अफसरों के तबादले। मनोज तिवारी डीआईजी आजमगढ़ बने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, माधव वर्मा एसपी उन्नाव बनाए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह जुड़ गए हमारे साथ। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से 28 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, चुनाव से पहले सरकार जिलों में डीएम एसपी एडीएम इन सबको जो है ट्रांसफर करके एक चुनावी मॉब मोड तैयार हो गया है। चुनाव आयोग ने कहा था कि 20 तारीख तक सारे तबादले कर लिए जाएं और आज 28 आईपीएस तबादले किए गए हैं, जिसमें फतेहपुर, जालौन, गाजीपुर, बदायूं, इटावा, फतेहगढ़ और इसके अलावा है उन्नाव, महोबा, यहाँ सबके एसपी बदले गए हैं और आजमगढ़ के डीआईजी और फैजाबाद के डीआईजी भी बदले गए हैं। मनोज तिवारी को आजमगढ़ का नया डीआईजी बनाया गया है। इसी तरह से सुशील गुप्ता को, संजीव गुप्ता को फैजाबाद का आईजी बनाया गया है अयोध्या का। तो काफी सारे तबादले हुए ये, लेकिन ये लिस्ट अभी और आएगी और कल परसों में आईपीएस अफसरों के और तबादले होंगे। जी बिल्कुल, इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह, हमारे ब्यूरो चीफ। निश्चित तौर पर इनका ये कहना कि अभी और भी तबादले होंगे और चुनाव के मद्देनजर ये सारे तबादले एक तरह से किए जाते हैं कि किस प्रकार से किसे कहां की जिम्मेदारी दी जाए।